हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है वेबसाइट यूसेजेस। ऐसे कौन कौन से यूसेजेस हैं किसी भी वेबसाइट के होने के, एक वेबसाइट के होने के आपके बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेड कलर से आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ये जो बेल आइकन है इसको दबा देना है ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, इसके बाद आपको ये ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, ये क्या है मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, एक छोटा सा नॉमिनल सा फी पेमेंट आपको करना है। जिस तरीके से आप ट्यूशन पढ़ते हैं उसी तरीके से आपको ट्यूशन हमारे यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड कराई जाएंगे जो आपको सबमिट करने होते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, नीचे की तरफ आना है, बीकॉम में जाना है। यहाँ पे आपको एक ज्वाइन का बटन शो कर रहा है ब्लू कलर का, इसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर लेने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक शो करेगा, इस व्हाट्सएप के लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको हमारे प्लान को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, बेनिफिट जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाने वाला है, आपको जो है लो कॉस्ट पे नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट पे, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स यू विल गेट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप हमसे बात कर सकते हैं अगर आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है किसी भी प्रकार की, आप ऑन डिमांड लेक्चर्स बनवा सकते हैं इन केस ऑफ नीड। आपको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर होना चाहिए तो मैं उसके ऊपर लेक्चर बना सकता हूँ, बट ये फैसिलिटी सिर्फ उनके लिए है जो हमारे जो एक्सक्लूसिव मेंबर्स होंगे। ठीक है ना, तो चलिए फिर एक और टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ये प्लेलिस्ट। जब भी आप स्टडी करें हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू करें, प्लेलिस्ट में आए, यहाँ पे देखो आपको प्लेलिस्ट दिख जाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर तक का यहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, सिक्स्थ भी बना हुआ है एक्चुअली, बट उसके बुक्स अभी तक अवेलेबल नहीं है तो उसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाए हैं मैंने, बट वो भी बन जाएंगे जल्दी ही। तो आप यहाँ पर आए, जब भी आए और प्लेलिस्ट में आकर के इग्नू बीकॉम न्यू को सर्च करें, इग्नू बीकॉम न्यू में आपको जाना है और ये सारी प्लेलिस्ट आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के दिख जाएंगे, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन की तैयारी ठीक तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज अबाउट द यूसेजेस ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं। Now, the proliferation of mobile phones has given birth to new categories of web users and expanded the target audience for business. And this all has become possible with the easy access to the internet. देखो, जब से मोबाइल फोन सबके पास आया है ना, मोबाइल फोन जब से कॉमन हुआ है, तो एक तरीके से जो बिजनेस ऑडियंस है जो कि रिलेटेड है मोबाइल फोन्स की कैटेगरी के साथ, वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने लगी है, क्योंकि उनके पास इंटरनेट की लाइक अनलिमिटेड चीजें हो गई हैं। अभी जैसे पहले 1 GB के लिए तकरीबन 300 रुपए पे करने पड़ते थे, अभी तकरीबन 1.5 GB पर डे अगर आप यूसेज करते हो तो भी आपका डेटा जो है कम पड़ जाता है, आप समझ रहे हो। तो इंटरनेट की इतनी ज्यादा मतलब लोगों को जरूरत पड़ रही है, इतनी ज्यादा मतलब आदत पड़ गई है कि लाइक इसमें बिजनेस करना भी बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है ना, तो ये बात है। डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल एप्स, मोबाइल फ्रीक्वेंटली रिस्पॉन्सिव वेब इन गेमिंग पॉपुलैरिटी एंड इज प्रेफर्ड अमंग द ऑडियंस, है ना। तो जिस तरीके से अवेलेबिलिटी है मोबाइल एप्स का, उस चीज के होने के बावजूद जो ऑडियंस है वो एक तरीके से धीरे धीरे करके जो है, जो वेब की पॉपुलैरिटी है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ रही है ऑडियंस में, है ना। क्योंकि मोबाइल ऐप्स सबके फोन के पास आ गए हैं, मोबाइल ऐप्स के थ्रू लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट स्टिल आप अगर वेबसाइट पर कुछ, अगर आपको सर्च करना है तो आपको वेबसाइट पर जाकर के करना पड़ेगा, है ना। तो वेबसाइट पर जाकर के आप चीजों को सर्च करते हो, वेबसाइट आप चेक करते ही हो, जैसे कि कॉमर्स की पाठशाला ले लो, हमारा भी एक अपना वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो हमारे बीकॉम का वेबसाइट है ये, ठीक है। यहाँ से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, आप इग्नू बीकॉम न्यू में आकर के अपने कोर्सेज को चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको यूट्यूब का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा, लेक्चर का आपको क्लिक करना है, पहुंच जाओगे। साथ ही साथ ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये जो नाम लिखा होगा कोर्सेज का ना, ये ब्लू कलर से कुछ दिन बाद आपको शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैं नोट्स डालने वाला हूँ। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके साथ ही साथ आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो ये भी जो है जल्दी हो जाएगी। तो ये वेबसाइट हमने बनाया है, और इसी तरीके से जो कंपनीज होती है वो वेबसाइट्स का इस्तेमाल करती है, है ना। इग्नू का एग्जांपल ले लो, इग्नू का भी ऐप है, बट जब भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट सर्च करना होगा आप वेबसाइट में जाओगे, है ना। तो मोबाइल होने के बावजूद भी, मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, फ्रेंडली रिस्पॉन्सिव है, उसके होने के बावजूद भी लोग जो है वेबसाइट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर जाकर के चीजों को सर्च करते हैं,
A website provides a quick and easy way to communicating information between buyer and the seller. अब जो वेबसाइट है वो एक तरीके से हेल्प करता है आपको कम्युनिकेट करने में एक बायर और सेलर के बीच में, है ना। वेबसाइट्स आर यूजफुल नॉट ओनली फॉर द कस्टमर बट ऑल्सो फॉर द बायर्स इन मेनी वेज। अब वेबसाइट जो है सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं होता बल्कि समटाइम्स जो बायर्स होते हैं, है ना, उनके लिए भी ये जो है बहुत ही ज्यादा समटाइम्स इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं इसको और डिटेल में नहीं जा रहा, हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूसेजेस के बारे में। हम तो वेरियस यूसेजेस ऑफ वेबसाइट्स आर एक्सप्लेन्ड इन डिटेल बिलो। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहला है ऑनलाइन प्रेजेंस 24/7। देखो, एक दुकान जब आप खोलते हो तो दुकान खोलने के बाद आपको दुकान की एक टाइमिंग होती है ना, 8 घंटे बैठोगे, 9 घंटे बैठोगे, 10 घंटे, 12 घंटे, कितने देर तक आप दुकान खोल करके रखोगे। सपोज कोई व्यक्ति सुबह 7 से रात 9 बजे तक दुकान खोलता है तो 14 घंटे वो दुकान खोल रहा है, उससे ज्यादा तो वो नहीं खोल पाएगा ना। लेकिन जब आप वेबसाइट स्टार्ट करते हो अपने बिजनेस के नाम पे तो वो बिजनेस 24/7 वो काम कर रही होती है, 2400 घंटे सातों दिन हफ्ते के वो काम करती है, साल भर 365 साल भर वो काम करती है। आपको लाइक कोई दिक्कत वहां पे नहीं होती, आपको दुकान खोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको हर एक चीज जो है ऑनलाइन हर एक चीजें आपको अवेलेबल करा देनी है। लोग वहीं से बाय कर रहे हैं, वहीं से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आप वहीं से सेल कर दे रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये फायदा, सबसे बड़ा जो लाइक एक तरीके से यूसेज है वो यही है कि आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस को 24/7 बना करके रख सकते हो, है ना। नाउ इसको पढ़ लेते हैं। वेबसाइट एनेबल्स कस्टमर्स टू कॉन्टैक्ट द सर्विस प्रोवाइडर एनी टाइम एनीवेयर, राइट, इवन आउटसाइड ऑफ द बिजनेस आवर्स। वेबसाइट कंटिन्यू टू फाइंड एंड सिक्योर न्यू कस्टमर्स, ठीक है। बिजनेस आवर जैसा कि मैंने आपको बताया तो 12 घंटे 14 घंटे आप बैठ रहे हो, उसके बाद भी आपके पास इनफ टाइम है, मतलब उसके बाद भी एक तरीके से अगर आप वेबसाइट खोल के रखे हो तो उसके बाद भी आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप अपना बिजनेस चला सकते हो। 24/7 प्रेजेंस आवर्स और ऑफर्स ऑफ द यूजर कन्वीनियंस एज द इंफॉर्मेशन नीडेड by them can be accessed in their comfortable zone, be it their own home or workplace, with no added pressure to buy, है ना? देखो, जब आपको दुकान जाते हो ना तो आपको लगता है कि भाई बाय नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, दुकानदार के सामने भी इंप्रेशन अच्छा नहीं जमता है। लेकिन आप अगर आपको कोई ऐसा फैसिलिटी मिले कि आप घर पे बैठे आप अपने उसके सारे प्रोडक्ट्स को चेक कर सको और खरीद भी सको, है ना, आप नहीं चाहो तो नहीं भी खरीद सको, तो वो फैसिलिटी आपको कैसी लगेगी? डेफिनेटली अच्छी लगेगी। तो वेबसाइट हमें वो चीजें प्रोवाइड करता है, आप घर बैठे वेबसाइट पे जा करके उनके प्रोडक्ट्स को ठीक तरीके से चेक कर सकते हो, क्या फीचर्स हैं क्या नहीं है, और कहीं पे भी कर सकते हो, घर पे करो, ऑफिस में करो, रास्ते पे चलते हुए करो, कहीं से भी कर सकते हो। और अगर आपको पसंद आता है तो बाय भी कर सकते हो, वहां पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता कि आपको बाय करना ही होगा, राइट। तो इसका यूसेज सबसे बड़ा यही है कि इसका ऑनलाइन प्रेजेंस है 24/7। इसके अलावा आप हर एक चीज जो है घर पे बैठे ऑन योर फिंगर टिप्स आप कर पाते हो। दूसरा पॉइंट है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। वेबसाइट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। देखो, जब आप दुकान में जाते हो सामान खरीदने के लिए, दुकानदार से पूछते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में कि भाई इसके क्या क्या फीचर्स हैं, बताओ जरा सर, मैं सुनना चाहता हूँ, तो वो आपको लाइक पूरी बात समटाइम्स बताएगा, समटाइम्स नहीं बताएगा, समटाइम्स उसके पास कहाँ टाइम कम होगा बताने का क्योंकि उसको और भी कस्टमर्स को देखने होंगे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता, एक्सचेंज ठीक तरीके से कम्युनिकेशन का नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप अगर वेबसाइट पे जाते हो तो वेबसाइट पे आपको तकरीबन हर एक तरह की इंफॉर्मेशन जो कि जो भी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के होनी चाहिए वो आपको अवेलेबल वहां पे मिल जाती है, राइट। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। सो थ्रू अ वेबसाइट एंड अ सेलर कैन प्रोवाइड एज मच इन्फॉर्मेशन एज ही वांट्स एंड रिक्वायर्स फॉर द कस्टमर्स, है ना। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है जो है एक सेलर हर एक जानकारी जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रोवाइड करा सकता है जो भी कस्टमर्स को चाहिए होगी, है ना। वेबसाइट्स प्रोवाइड द इजीएस्ट वे ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द बायर एंड द सेलर, which really helps the business to engage with the customers and sell in a effective and cost efficient way, है ना। तो वेबसाइट एक तरीके से बहुत ही आसानी से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है बायर और सेलर्स के बीच में। तो इससे फायदा क्या होता है कि बिजनेस जो है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को एंगेज कर पाता है, राइट। ये सभी के लिए अवेलेबल है, कोई भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है इस इन्फॉर्मेशन को। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें एंगेज होंगे, आएंगे, चेक करेंगे, पसंद आएगा तो खरीदेंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन एंगेजिंग जो कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी, है ना। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज यहाँ पे बहुत ही आसानी से होता है, ये दूसरा यूसेज है। तीसरा यूसेज है क्रेडिबिलिटी। सो हैविंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस इन इज इंपरेटिव ऑन द पार्ट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस दीज डेज। तो अभी के टाइम पे किसी भी बिजनेस के लिए अगर आपके पास वेबसाइट है तो उसका एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है आपके ऊपर, आपको लगता है कि नहीं भाई बिजनेस तो बढ़िया ही होगा तभी इनका वेबसाइट है, राइट। सो इट मेक्स देम टू गेट अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स इन वन वे और अनदर।
Most of the reputed businesses have their presence in the virtual places, which helps in building reputation and improved credibility of the business in the eyes of the customers. है ना, वही बात यहाँ पे बोली गई कि जितने भी reputed business होती हैं, सबका presence जो है virtual places पे है. virtual मतलब मैं online बात कर रहा हूँ, online places पे है, जहाँ पे वो अपना एक तरीके से reputation को build करते हैं, अपनी वेबसाइट बना करके उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है चूंकि उनका वेबसाइट है, और कस्टमर्स के लिए वो जो है एक उनके गुड बुक्स में आ जाते हैं. ठीक है, अ वेबसाइट कैन बी यूज्ड फॉर आंसरिंग ऑल व्हाट्स एंड व्हाईज ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर. है ना, एक वेबसाइट का इस्तेमाल जो है हर एक तरह की व्हाट एंड व्हाई के बारे में, लाइक क्या है और क्यों है ये प्रोडक्ट ऐसा, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो एक वेबसाइट वो सारी जानकारियां जो है आपको प्रोवाइड कराती है. Moreover, having a good quality, easy to use websites makes them believe that they will get the same positive experience in all the areas of business. है ना, तो यहाँ पे चूंकि एक अच्छी क्वालिटी का आप अपना वेबसाइट बना रहे हो, इजी टू यूज वेबसाइट बना रहे हो, तो यहाँ पे लाइक लोगों को बिलीव होता है कि जो भी वेबसाइट है चूंकि वो इतना स्मूथ है, इतना अच्छा है, तो उनका जो प्रोडक्ट्स है, जो उनका बिजनेस एरियाज है, वो भी बहुत ही अच्छा होगा. तो बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है वेबसाइट के होने से. ठीक है, अगला पॉइंट है मार्केट एक्सपांशन. सो ऑनलाइन चीजें जब आप लेकर के जाते हो तो आपका मार्केट जो है एक्सपांड होता है, लोग आपके मार्केट के साथ जुड़ते हैं, तो आपका मार्केट एक्सपेंशन होता है. जब आप दुकान पे बैठते हो तो आपने सपोज दिल्ली में आपकी कोई दुकान है सरोजनी नगर में, तो सरोजनी नगर में लोग आएंगे ना, सिर्फ सरोजनी नगर के ही लोग वहां आएंगे, बहुत दूर से तो सरोजनी नगर में लोग सामान खरीदने के लिए आएंगे नहीं, क्योंकि उनके वहां पे भी मार्केट होगा. पर जब आप ऑनलाइन चले जाते हो ना, तो आप सरोजनी नगर का कोई एक सामान जो है ना, वो पूरी दुनिया में बेच सकते हो, पूरे इंडिया में बेच सकते हो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है. आप समझ रहे हो, तो मार्केट एक्सपेंशन का यही फायदा होता है कि ऑनलाइन फॉर्म में आप अपने मार्केट को बहुत दूर तक एक्सपांड कर सकते. So online presence helps in the expansion of the target market, right? As it can be accessible to anyone all over the world. यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि online presence होने से आप अपने market को आप expand कर सकते हो, और इसको कोई भी चूंकि access कर सकता है पूरी दुनिया में से कहीं से भी, तो इसलिए इसका जो expansion हो पाता है. Anyone from any country can easily find the company and as such becomes a potential customer. कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी भी कंपनी का जो है वो पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है और बायर बन सकता है. ऑनलाइन प्रेजेंस एक्चुअली हेल्प द कंपनीज टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर एंड कैपिटलाइज बाय अ ग्रेट एक्सटेंट व्हिच अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल. है ना, तो ऑनलाइन प्रेजेंस होने से आप एक्चुअली में एक कंपनी जो है वो अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सकती है और कैपिटलाइज कर सकती है अपनी बिजनेस को टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जो कि अगर आप अगर ऑफलाइन में करते तो वो पॉसिबल आपके लिए नहीं हो पाती. राइट, अगला पॉइंट है कंज्यूमर इनसाइट्स. सो दीज डेज वेरियस कस्टमर एनालिटिक्स टूल सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा हेल्प इन आइडेंटिफाइंग टिपिकल कस्टमर्स, देयर प्रेजेंस, डिमांड, देयर प्रेफरेंसेस, डिमांड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स सर्टेन प्रोडक्ट्स. तो देखो, हर एक कंज्यूमर का बिहेवियर अलग अलग होता है, हर एक कंज्यूमर अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है ना, तो अभी के टाइम पे कस्टमर्स को समझना कि किस कस्टमर को क्या चाहिए, उसको ये प्रोडक्ट क्यों पसंद आ रहा है, उसको यही प्रोडक्ट क्यों चाहिए, आपको किस तरह के प्रोडक्ट बनाने चाहिए जिससे जो एक जनरल कस्टमर है वो खरीद सके आपके प्रोडक्ट को. राइट, तो कस्टमर्स के बारे में आपको जानकारी मिलती है जब आप अपने वेबसाइट पे आप चीजों को बेचते हो. अब आप देखते हो ना कि आपका ये प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, इसका मतलब है कि लोग आपके प्रोडक्ट के उसी प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, बाकी सारे प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे हैं. अब कोई प्रोडक्ट है जिसकी सेल ही नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको पता चल जाएगा ना वेबसाइट पे अगर आपका चुकी है, आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट लोग नहीं लेना चाह रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में आप प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बंद कर सकते हो. जिस चीज में आप अच्छे हो आप उसी चीज की प्रोडक्शन ज्यादा करो. है ना, तो कंज्यूमर इनसाइट्स आपको यहाँ पता चलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू. आप आइडेंटिफाई कर पाते हो टिपिकल कस्टमर्स को, उनकी प्रेफरेंस को, उनकी डिमांड को और उनके बिहेवियर को टुवर्ड्स सर्टेन प्रोडक्ट्स. The diverse range of data available also offers hands to the business to better understand their potential customers and thus offer them products as per their needs. है ना? तो ये diverse range of data available होता है, उसके कारण से आप अपने product को और अपने customers को अच्छे तरीके से समझ सकते हो और आप उनके according जो है, जो भी उनकी demand है, उनके according आप product को बना सकते हो, ताकि वो जो है उनकी needs को, जो product आप बना रहे हो वो उनकी needs को एक तरीके से satisfy करे. ठीक है ना? So इसलिए ये चीज जो है की जाती है. अगला यूसेज है एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग के लिए वेबसाइट का इस्तेमाल हो सकता है. सो टूल्स लाइक गूगल एडवर्ड्स एंड एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक गिव्स द पावर टू रीच कस्टमर्स विद मच मोर एक्यूरेसी. ठीक है ना, विद मच मोर एक्यूरेसी रिलायबिलिटी देन द ट्रेडिशनल ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग मेथड्स. अब आपको अपने वेबसाइट को अगर एडवर्टाइज करना है,
आपको अगर अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करना है तो जब आप ऑफलाइन में करते हो ना तो ऑफलाइन में खर्चे भी ज्यादा पड़ते हैं, टाइम भी ज्यादा लगता है, और एक तरीके से आप ज्यादा दूर तक अपने एडवर्टाइजमेंट आप चला भी नहीं सकते। आपका दुकान अगर जैसे मैंने बोला कि सरोजनी नगर में, तो आप अपनी होर्डिंग्स कहाँ कहाँ डालोगे? आप सरोजनी नगर में डालोगे, मालवीय नगर में डालोगे, खान मार्केट में डालोगे, अलग अलग जगहों पर आप डाल लोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो लोग वहीं के सिर्फ आप पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन चीजों को करते हो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, तो इसका जो एड है ना ये पूरी दुनिया में लोग कहीं से भी देख रहे होंगे, आपके प्रोडक्ट की एड को देखेंगे, आप समझ रहे हो? तो ये जो सारी एड टूल्स हैं जिसके जरिए से एक तरीके से कस्टमर्स तक आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो विथ मच मोर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी देन अदर ट्रेडिशनल ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग मेथड्स। तो ये एक फायदा है। नाउ एसईओ एंड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आर अ ग्रेट वे टू हेल्प बिल्ड अप अवेयरनेस एंड इंक्रीजिंग ट्रैफिक इन नो टाइम। सो एसईओ का नाम आपने सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये करके आप एक तरीके से ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को एक बहुत ही अच्छे लेवल पे लेकर के जा सकते हो, जहाँ पे आप अपना ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बढ़ा सकते हो बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए, ठीक है? सो एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा यूसेज है। अगला पॉइंट है कॉम्पिटिटर्स ऑनलाइन। So if any business player do not have a website, it is highly likely that their companies will have, है ना, competitors will have. अगर किसी business के पास website नहीं है तो बहुत ज्यादा chances है कि जो उनका competitor होगा उनका जो website है वो जरूर होगा, क्योंकि वो चाहते हैं website बनाना ताकि उनका market expansion रहे। और आप चूंकि offline बना रहे हो तो आपका जो competition ही खत्म हो जाएगा। तो अभी के time पे online website बनाना भी इस kind of competition जहाँ पे आप अपने products को बेच पाते हो। This can lead to missing out and gaining new customers and opportunities to be at the forefront. अगर आपकी वेबसाइट होती तो आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करते, जहाँ पे आप नए कस्टमर्स को बना सकते थे, नई नई अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आप काम कर सकते थे। It is crucial that no opportunity is missed and every prospect is gained by the competition. तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप एज ए बिजनेस मैन आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो, आप हर एक चीज की जानकारी आपके पास रहे, आप किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो। ये तभी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं जब आपके पास वेबसाइट होता है। Therefore, to stay ahead of the competition and have a great market presence, it is required by the business to have an online presence. तो आपको अगर अपनी प्रेजेंस बनानी है, आपको अगर मार्केट में कम्पीट करना है, आपको अगर अच्छे तरीके से अपना बिजनेस को चलाना है, तो उस चीज के लिए आपको अपना वेबसाइट जो है ऑनलाइन जाकर के खोलना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट है कस्टमर सर्विस ऑनलाइन। वेबसाइट प्रोवाइड्स एन इजियर एंड इफेक्टिव वे टू हैंडल कस्टमर सर्विस। वेबसाइट्स के थ्रू आप बहुत ही आसानी से अपने कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। समटाइम्स बहुत सारी कस्टमर्स की ऐसी क्वेरी आती है जिसके लिए आपको कस्टमर को विजिट नहीं करना होता, आपको बस उनको जानकारी देनी होती है। तो वो जानकारी अगर आप अपने वेबसाइट पर डाल दोगे तो लोगों को लगेगा कि भाई आप बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लोग आपके पास जाएंगे नहीं, वो सिर्फ जो है ऑनलाइन जाकर के अपने तरीके को चेक कर लेंगे कि किस तरीके से लाइक किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है ना। सो AI enabled चैट बॉक्स, अभी चैट बॉक्स का लाइक एक तरीके से कल्चर है, आप कहीं भी जाओगे किसी भी वेबसाइट पर देखना वहां पर चैट बॉक्स खुल जाएगा, जैसे HDFC बैंक का एवा है, Amazon का Alexa है, Apple का Siri है, ये सारा एक तरीके से चैट बॉक्स का ऑप्शन खुल जाता है जहाँ पे आप चैट कर सकते हो अपनी क्वेरीज को, राइट? सो क्वेरीज इमीडिएटली विच ऑल्सो हेल्प द कंपनीज टू सेव कॉस्ट एंड कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव। अब इसके कारण से देखो कंपनीज का कॉस्ट भी बचता है, उनको घर जाकर के प्रेजेंटली फिजिकली जाकर के कुछ चेक नहीं करना होता, वो ऑनलाइन सारी चीजें जो है चैटबॉट के माध्यम से बता देते हैं और कस्टमर का काम भी हो जाता है। Timely response to the customer queries help in improving their relationship with the service provider. अब आप अगर अच्छे तरीके से अपनी कस्टमर की क्वेरीज को हेल्प करोगे तो कस्टमर का जो है अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है, जो कि इन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, राइट? ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे वेबसाइट्स के थ्रू बहुत ही ज्यादा होती है। सो वेबसाइट्स इन जनरल आर ग्रेट वेज टू प्रोवाइड अ प्लेस और दैट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कैन बी रेफर्ड टू, है ना? इट शोज व्हाट द कंपनी इज अबाउट, व्हाट इट हैज अचीव एंड व्हाट इट कैन अचीव इन द फ्यूचर, है ना? तो एक कंपनी एक तरीके से अपने बारे में सारी जानकारी जो है ऑनलाइन डाल देती है कि कंपनी किस चीज के बारे में है, कंपनी ने अभी तक क्या अचीव करा है और कंपनी इन फ्यूचर और क्या क्या अचीव कर सकती है या करना चाहती है। तो ये सारी जानकारियां जब आप ऑनलाइन डाल देते हो तो लोग आकर के देखते हैं, वो इम्प्रेस होते हैं आपकी कंपनी से और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनती है क्योंकि वो आपके कस्टमर बनना चाहते हैं। दस हैविंग अ वेबसाइट इनक्रेडिबली प्रोवाइड्स वेरियस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब जब आपके पास एक अच्छी वेबसाइट होगी तो आपके आपके लिए एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है वेबसाइट आपके लिए प्रोवाइड करा करके देती है, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट यूसेजेस ऑफ अ वेबसाइट। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।